हूँ। तो गाइस कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया, और ट्विस्ट ये है कि कल ईद नहीं है क्योंकि चांद नजर नहीं आया, तो अब कल ईद नहीं होगी। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो बात कुछ यूँ है कि कुछ 3 months पहले मैं ऑस्ट्रेलिया आया स्टडीज़ के लिए एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट। तो अब यहाँ पे मैं एक इंटरनेशनल स्टूडेंट हूँ, और बस मेरा इरादा तो था वीडियोज़ वगैरह बनाने का, लेकिन बस कोरोना वायरस आ गया, लॉकडाउन हो गया इधर, तो वो सब कुछ अब बंद हो गया। तो बात कुछ यूँ है कि मैंने सोचा, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा था ऑब्वियसली, तो बहुत टाइम था सोचने के लिए कि क्यों ना व्लॉगिंग की जाए, क्योंकि एक ऑस्ट्रेलिया में रहने वालों के इंटरनेशनल स्टूडेंट जो यहाँ पे रहते हैं उनकी थोड़ी सी नेगेटिव इमेज बनी हुई है, क्योंकि बहुत से व्लॉगर्स होते हैं वो देखते हैं रियलिटी ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एंड ऑल दैट। तो मैंने कहा क्यों ना एक पॉजिटिव साइड दिखाया जाए। तो आज रमज़ान का आखिरी दिन है ऑस्ट्रेलिया में, कल ईद है, तो आज से शुरू करते हैं। तो मैंने कहा क्यों, तो लेट्स जस्ट स्टार्ट द व्लॉग। तो पहला प्लान हमारा ये है कि ऑब्वियसली ईद आ रही है, तो थोड़ी सी शॉपिंग तो बनती है, तो शॉपिंग मॉल की साइड पे जाते हैं। हम आ चुके हैं शॉपिंग मॉल की साइड पे, लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छा व्यू है। तो बस मॉल से बाहर आ चुके हैं, तो थोड़ी शॉपिंग की है, कल ईद है, तो बस उसकी प्रिपरेशन करते हैं, मिलते हैं फिर ईद के दिन। वेलकम गाइस, क्या हाल है। तो आज ईद का दिन है, तो जो जो मेरी तरफ से देख रहे हैं ऑब्वियसली ये ईद के बाद ही आएगा व्लॉग, तो ईद मुबारक। तो प्लान्स आज के बड़े बहुत आला हैं, हमने घूमने का प्लान बनाया है, तो पता नहीं, अभी मुझे भी नहीं पता कहाँ जा रहे हैं, सो देखते हैं कहाँ जाते हैं। तो रास्ते में जाते वक्त बहुत मजे का व्यू था, तो मैंने कुछ क्लिप्स कैप्चर किए हैं, हैव अ लुक। हम लोग यहाँ पर 1 घंटे की ड्राइव के बाद पहुँच गए हैं रोनेटिकल गार्डन्स में। तो भाई मैं आपको बताना भूल गया, आई लिव इन मेलबर्न, तो वहाँ से भी 1 घंटे की ड्राइव के बाद यहाँ पर पहुँचे हैं। तो अच्छा, यहाँ पर ना एक अमेजिंग फैक्ट ये है कि यहाँ पर जो भी जितने भी मैंने लेक्स वगैरह देखे हैं ना, उनमें कुछ ना कुछ होता है, यहाँ पे भी कोई बर्ड्स वगैरह हैं लेक के अंदर, तो मतलब बहुत ही इन्होंने ना अमेजिंग साफ करके रखा हुआ। अभी देखते हैं, अभी क्योंकि हम लोग पिकनिक के लिए आए थे, तो आगे देखते हैं और कुछ कहीं खाने वगैरह के लिए जगह के लिए जाते हैं। लेट्स गो। तो
गाइस, यहाँ पर हम आए हैं तो यहाँ पर एक और बहुत ब्यूटीफुल जगह थी। यहाँ पर हमने वैसे खाना शाना खाया, तो उसके बाद यहाँ पर एक और ब्यूटीफुल लेक है, मैं आपको दिखाता हूँ। दैट्स फाइन आउट, इट्स रियली ब्यूटीफुल गाइस, क्योंकि यहाँ पर अभी सर्दियों का मौसम चल रहा है, तो मतलब कि ठंड भी है, हवा चल रही है, लेकिन मज़ा तो फिर अलग ही है ना। अब टाइम हो गया घर जाने का, क्योंकि अपन को जॉब पे भी जाना होता है ना भाई, काम तो करना पड़ता है ना यार। तो अभी इस जगह को हम छोड़ देंगे, चले जाएंगे, फिर देखेंगे देखेंगे, फिर कभी टाइम मिले दोबारा घूमेंगे, क्यों नहीं। तो आगे देखते हैं क्या होता है। गाइस, तो आज का दिन बहुत अच्छा गुजरा, ईद का दिन था, मतलब हम घूमे फिरे। तो आज का व्लॉग ख़त्म करते हैं। तो गाइस, फर्स्ट व्लॉग था, थोड़ा सपोर्ट करना, सब्सक्राइब वाले बटन को ज़रा दबा देना अगर देख रहे हो तो, अगर व्लॉग थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो। तो बस अभी ट्रेन आने वाली है, तो हम जा रहे हैं काम से, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। वैसे बताना क्या पसंद करते हो, किस बात बारे में बात किया जाए।